हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट साइंस का वीडियो नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं एसिड और बेस की। ठीक है, देखें एसिड और बेस जो हैं वो डेफिनेशंस पढ़ी थी लास्ट में, तो अपन ने और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं अपन। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर होता है जो कि एसिड अगर अपन उस पर डालते हैं तो उसको किस में चेंज कर देगा, ब्लू को रेड कलर में, और अगर बेस है तो वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। ठीक है, इससे अपन पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिक, उसका पता लगाने में ये हेल्पफुल रहता है। चलिए नेक्स्ट है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। एसिड्स जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक गैस इवॉल्व करते हैं। उस गैस को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। इसे हम एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बिहार पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स लिए और जिंक के ग्रैन्यूल्स लेकर उसमें H2SO4 या HCl जो भी एसिड जो है वो उसके अंदर हमने डाल दिया। जब हम जिंक जो है उसका वो लेते हैं और एसिड जो है यहाँ पे H2SO4 हमने लिया, तो जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है। H2SO4 प्लस ZnSO4 बन जाएगा जो कि सॉल्ट होता है। और कौन सी गैस रह गई, देखो Zn ने SO4 से रिएक्ट कर लिया, जुड़ गया, बचा क्या H2 गैस निकलते हैं। अगर हम HCl लेंगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रही, गैस इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है, ये देखिए ट्यूब की सहायता से एक जो है सोप बबल फिल्ड विद सोप सॉल्यूशन से फिल्ड जो है वो एक बीकर है, उसके अंदर जो है वो जो ट्यूब है वो आ रही है, उससे बबल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उसके पास में जब हम कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो वो पॉप साउंड के साथ होती है। इट मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि जो रिलीज गैस है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो जब हम किसी भी मेटल की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, राइट। इसी तरह जो है, इसी वजह से अपन क्या करते हैं कि जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कभी भी मेटलिक जो है मेटल से बने जो कंटेनर है उनके अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड है, कर्ड को आप अगर मेटलिक कंटेनर में रखेंगे तो क्या बनेगा, जो है कॉपर के उसमें रखा, मान लीजिए अपने कौन सा कंटेनर है, कॉपर का बना हुआ है, तो क्या बना लेगा वो, जो है क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस। और जो टेस्ट होगा कर्ड का वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न दैट सोर सब्सटेंस आर नॉट कैप्ट इन अ मेटेलिक कंटेनर। इफ़ कर्ड इज कैप्ट इन अ कॉपर वेसल, इट विल रिएक्ट विद कॉपर, तो ये कॉपर से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्शंस के कारण जो टेस्ट ऑफ कर्ड है वो, ये हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण वो ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब मेटल जो होते हैं वो बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट ऑल मेटल्स जो होते हैं वो बेस से रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्टिव नहीं करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसकी जिंक से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट विच इज़ ए सॉल्ट। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसमें भी, हाइड्रोजन। कैसे बना, देखिए आप, 2Na है तो Na2, Zn सिंगल है Zn, O2 क्योंकि 2O है तो O2, अब बचा के 2H, मींस H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये बन के आ गया सोडियम जिंकेट। तो दोनों, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। पहला तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू। नेक्स्ट, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म। व्हेन बेस इज रिएक्ट विद मेटल देन अगेन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड सॉल्ट जो है वो बनता है।
ओके नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, जब मान लीजिए हम किसी एसिड जो है उसको मेटल से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है, व्हेन वी रिएक्ट अ एसिड विद द मेटल, जब हम किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करा देते हैं, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं, सॉरी, जब हम किसी एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं, मेटल ऑक्साइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड है, कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, मान लीजिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज ए मेटल, एंड CuE O मीन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड मीन्स कॉपर का ऑक्साइड, जब हमने इसकी एसिड से रिएक्शन कराई मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या रिलीज हो रही है, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड, क्या रिलीज हो रहा है, कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड देखो Cu प्लस Cl2, यहाँ 2Cl है तो Cl2, अब 2H और 1O है तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, तो क्या बन गया, सॉल्ट बना और वाटर बना, ठीक। जब एसिड की हमने मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो सॉल्ट और वाटर बनता है, अगर हम एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो अगर हम इसे एसिड बेस रिएक्शन से कंपेयर करें, एसिड और मेटल ऑक्साइड की जगह क्या आ जाता है, बेस आ जाता है, और बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर, मीन्स मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। देखो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर, मेटलिक ऑक्साइड्स आर एल्केलाइन इन नेचर, बेसिक बोल लो चाहे एल्केलाइन बोल लो एक ही बात है, तो एल्केलाइन इन अ नेचर, राइट। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अगर हम बेस से रिएक्ट कराते हैं, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, उसमें मेटल ऑक्साइड था तो एसिड से रिएक्ट कराया था, अब नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट कराया तो देखिए इधर CA और CO2, एक और इधर से ले लिया, क्या बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, बचा क्या देखो 2H और 1O, क्या बचा, 2H और 1O बच गया यहाँ पे, ठीक है, तो H2O बन गया। अब इसे भी अगर हम कंपेयर करेंगे मान लीजिए, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जगह क्या आ जाता है, एसिड आ जाता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम एसिड या बेस का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर हम उन्हें वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो उनका आयनाइजेशन हो जाता है, और आयनाइजेशन होने के कारण कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, सो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, हैंस दे आर यूटिलाइज एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसलिए इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह करते हैं। Aqueous solution of acid and bases are good conductor of electricity, hence they are utilized as electrolytic solution. इसलिए हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। When acid react with base, जब acid base से react करता है तो क्या बनाते हैं, salt and water, और acid और base जो होते हैं वो अपनी सारी properties जो होते हैं उनको खो देते हैं, बनाते क्या हैं, salt and water, और जैसे HCl इज एसिड, NaOH एक बेस है, क्या बन गया, NaCl, क्या बच गया, H2O, तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, तो लूज देयर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रल हो जाते हैं, बिकम न्यूट्रल, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एसिड एंड बेसिस की, वापस से रिपीट कर लेते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, नंबर टू एसिड और बेस को अगर हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, जब हम किसी मेटलिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट, जब हम किसी मेटलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करा देते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड का एसिड से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनता है, इसलिए मेटलिक ऑक्साइड जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यदि हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है
उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस से, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जब जो है एसिड और बेस जो हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और उनका यूज़ जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह भी करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हम एसिड को बेस से रिएक्ट करा दें तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये हमने एसिड और बेस के जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, विद एग्जांपल आपको ध्यान में रखनी है, एग्जांपल से भी पूछी जा सकती है, इसलिए एग्जांपल सहित आपको लर्न करनी है।